हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज बुधवार को तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। रोडवेज की चक्कर जाम के दौरान एक भी बस डिपो से बाहर नहीं निकली, वही यात्री परेशान भी नजर आए। निजी वाहनों से गंतव्य की ओर अधिक राशि देकर जाना पड़ा। बुधवार को भी नया बस स्टैंड सुना नजर आया, जबकि यात्री परेशान नजर आए। अस्पताल चौराहे पर यात्रियों की भीड़ नजर आई, वही प्राइवेट बस वाले यात्रियों को अधिक राशि से लेकर गंतव्य की ओर ले जा रहे थे। वही सारी बसें रोडवेज डिपो में खड़ी है। रोडवेज डिपो के बाहर कर्मचारी धरने पर नारेबाजी करते दिखे, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और परिवहन मंत्री यूनुस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना स्थल पर इन सब के लिए भोजन की व्यवस्था भी वही खुद बना रहे हैं। वह लगातार 3 दिन से वहीं बैठे हैं। कब हड़ताल समाप्त होगी और कब बसें डिपो से बाहर निकलेगी? उसके बाद आज शाम बुधवार को रोडवेज डिपो से अस्पताल चौराहे तक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। हड़ताल अभी भी जारी है, यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। इस दौरान काफी संख्या में कर्मचारी, कंडक्टर, ड्राइवर धरने पर मौजूद थे। रोडवेज कर्मियों की इस हड़ताल की बड़ी वजह सरकार की वादा खिलाफी है। जुलाई माह में 3 दिन की हड़ताल के बाद सरकार ने संयुक्त मोर्चे से समझौता किया था, उसकी पालना नहीं होने से फिर से हड़ताल की नौबत आ पड़ी है। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।